लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रहे, बिना वजह घर से ना निकले, आवश्यकता पड़ने पर घर से निकलना पड़े तो मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंस यानी अपनी सामाजिक दूरी के नियमों को अपनाते रहें। यह सब हमारे भले के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। 3 मई तक के लॉकडाउन को सफल बनाने में एक दूसरे का सहयोग करें, अपने परिवार को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, प्रांत को बचाएं, देश को बचाएं। ध्यान दें, 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हमारा फर्ज बनता है कि जो खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, हम अपने देश को इस कोरोना वायरस से बचाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से फैली महामारी को रोकने के लिए जहां सरकारी तंत्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं इस संकट की घड़ी में ऐलनाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला भी कहीं पीछे नहीं है। आज उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे नगरपालिका व मार्केट कमेटी के सभी सफाई कर्मचारियों को राशन के पैकेट और सैनिटाइजर प्रदान कर उनकी सेवाओं की सराहना की। इस बारे में कच्चा आड़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष व इनेलो नेता जय सिंह गौरा ने बताया कि आज कलम है चौधरी अभय सिंह जी विधायक ऐलनाबाद, उन्होंने 15,000 के क्रम में पाउच हर घर में, हर शहर में क्रम में एक एक दो दो क्रम में पाउच क्रम में बंटवाई है सैनिटाइजर के लिए। और नगर पालिका के क्रम में जितने पक्के अस्थायी कच्चे क्रम कर्मचारी थे उनको क्रम मैंने 5 किलो आटा, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल, 0.5 किलो क्रम में सरसों का तेल, पाइया अचार और पाइया मिर्च और पाइया हल्दी, इस तरह की किट बना के क्रम सबको क्रम बांटी। और मार्केट कमेटी में भी जितने भी सफाई के मजदूर थे उनको क्रम उनके आदेश से बांटी गई। और भी आश्वासन दिया है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा जरूरतमंदों को क्रम जरूरत पड़ी तो और भेजू। इस अभियान में इनेलो के सक्रिय शहरी कार्यकर्ताओं की टीम ने राशन के पैकेट व सैनिटाइजर का वितरण किया। उन्होंने पूरे ऐलनाबाद शहर के घर घर में सैनिटाइजर बांटकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए अपील भी की। इस अभियान में इनेलो की महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनेलो कार्यकर्ता सरोज साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने शहर के वार्ड 7 में घर घर जाकर सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने महिलाओं को सैनिटाइजर का उपयोग कर कोरोना जैसी महामारी से बचाव के उपाय भी बताए। ठीक है, वो कोई संस्था भी साबु को नहीं है, चुटाला जी भेजी है, वो यहाँ है कि आप इसी महामारी बीमारी आ रही है नी, इनकी खातर जब भी आप बारू आवा कोई काम करा तो बार बार यूं हाथ धो, हाथ पर डालो और लगाओ, यूं ही आप भी बीमारी हूँ बच सका। आपकी सेवा के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, जब अभी आप बाहर से आओ, कोई बाजार से आओ, मार्केट से कोई सामान खरीद के ले आओ, तो घर आने से पहले, घर आने के बाद ये थोड़ा सा हाथ पे डालो और हाथ मसल लो अच्छी तरह से, ये इससे आपकी बीमारी नहीं लगेगी कोई भी और आपको सुरक्षा मिलेगी। हम आपकी सेवा के लिए आपके घर पर आके ये दे रहे हैं और ये आपके लिए चौटाला साहब ने भेजे है, आपकी बचत के लिए चौटाला साहब ने ये आपके लिए भेजे है। ये बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं, ये बीमारी बहुत ज्यादा बीमारी है, इसीलिए आपको और आपके लिए अच्छाई के लिए हमने भेजे है, तो आप इनका इस्तेमाल करना जरूर। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद शहर में जरूरतमंदों को राशन के लिए 2,000 पैकेट भिजवाकर सहायता की थी। इनेलो के शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गुदारा ने भी पार्टी की ओर से भेजे गए राशन के पैकेट सफाई कर्मचारियों को बांटे। डॉक्टर विनोद गुदारा ने चैनल डी से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे बांटे जा रहे हैं ये यहाँ के लोकल माननीय विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी तरफ से भेजे हैं, जो इस कोरोना महामारी में जो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, नगर पालिका के, मार्केट कमेटी के, फायर ब्रिगेड के और यहाँ जो कूड़ा उठाने वाले जितने भी सफाई से जुड़े हुए जितने आदमी हैं सबको एक एक किट, एक एक सैनिटाइजर और मास्क, ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। और उन्होंने स्पेशली हिदायत दी है कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम समय समय पर उनको प्रोवाइड करेंगे। और शहर के अंदर आज टोटल शहर को झुग्गी झोंपड़ी से लेके हर महलों तक जो रहते हैं उनमें किसी घर को नहीं छोड़ा, हर घर में सैनिटाइजर की 2-2 बोतल यानी कि 16,000 बोतल उन्होंने भेजी है, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाके एक तो कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं और दूसरा एक एक 2-2 बोतल सैनिटाइजर की हर घर में भेजी है।
उसमें किसी पार्टी विशेष का या कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। जो आम लोग ये शिकायत कर रहे थे, इस तरह की कोई धारणा नहीं है, कोई घर नहीं छोड़ा आज। और स्पेशली उन्होंने हिदायत दी है कि किसी चीज़ की और जरूरत पड़े तो आप मुझे टाइम टू टाइम अवगत करा दीजिए। और उन्होंने स्पेशली कहा है और रोज़ दिन में दो बार पूछते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, और कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो शहर के अंदर, पूरे हलके का वो, पूरे हरियाणा का इस तरह वो ख्याल कर रहे हैं। हर एक जितने पदाधिकारी है टाइम टू टाइम हर आदमी से फ़ोन करके वो हर चीज़ पूछते हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं, और जो जितनी उनके हिसाब से लगता है वहाँ हर एक जरूरत मुहैया कराते हैं। दोस्तों, चैनल डी भी आपसे अपील करता है कि यदि आप समर्थवान हैं तो इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहायता जरूर करें। यदि आप अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया 3 मई तक अपने परिवार सहित अपने घरों में बने रहें, ताकि कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जीता जा सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट भी भेजिए। तब तक देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।